टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने क्या किया, नॉर्मली हम क्या करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में लूप को घुमाते हैं, इसमें क्या किया रिंग को ऐसे रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड जो है बोर्ड के अंदर है और उसको हम इंक्रीज कर रहे हैं। आप खुद देखो जब आप मैग्नेटिक फील्ड को इसके अंदर इंक्रीज करेंगे तो इसका फ्लक्स क्या होता है, बी इंटू एरिया, तो बी जब इंक्रीज होगा इसका फ्लक्स इंक्रीज होगा तो इसमें करंट पैदा होगा ही होगा। पहले करंट की डायरेक्शन देख लें, बी कहाँ पर है, बोर्ड के अंदर। बी क्या हो रहा है, बोर्ड के अंदर इंक्रीज। कॉयल कहती है कि बी कैसे इंक्रीज कर दोगे, मेरा फ्लक्स कैसे इंक्रीज, मैं इसे अपोज करूंगा। तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंगली अगर बी अंदर इंक्रीज हो रहा है तो ये अपने अंदर करंट ऐसे पैदा करेगी कि इसका जो बी होगा, इसका जो बी होगा वो कैसे होगा आउटसाइड, ताकि आपके अंदर के बी को वो अपोज कर सके। तो करंट कैसे पैदा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन पता लगी करंट की, ठीक है यहां तक। अब ईएमएफ क्या होगी, फ्लक्स क्या है, बी इंटू एरिया, और मान लो कॉयल में नंबर ऑफ टर्न्स एन है तो एन इंटू बी इंटू एरिया। लूप में ईएमएफ क्या होती है, डी फाई बाई डी टी। फाई क्या है, एन इंटू बी इंटू ए, क्योंकि बी और एरिया में एंगल यहां पर जीरो है। तो यहां से एन और ए कॉन्स्टेंट है, बी कॉन्स्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें बी इज चेंजिंग विद टाइम। तो यहां पर क्या आएगा, डी बी बाई डी टी। तो ये आपके पास ईएमएफ की वैल्यू आएगी जब बी टाइम के साथ क्या कर रहा है, अपनी वैल्यू को चेंज। ठीक हो गया यहां तक। अब सोचने वाली बात यह है, रॉड जब मैं लेता था, रॉड में ईएमएफ पी और क्यू के बीच में निकलता था, दो पॉइंट्स होते थे जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस निकलता था। रिंग में ईएमएफ आ गई, ईएमएफ के दो पॉइंट्स कौन से हैं जिसके क्रॉस ईएमएफ आई, वो तो मेंशन ही नहीं हुआ। अगर कोई पूछे कि ईएमएफ का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस किन किन के दो पॉइंट्स के बीच में है, तो यहाँ पर पॉइंट्स तो मैंने दिखाए नहीं, आप रिंग में दिखा भी नहीं सकते। रॉड में तो दिखा सकते हो, रिंग में कैसे दिखाओगे, रिंग तो गोल है। तो आप मन में ऐसे इमेजिन करोगे कि ये रिंग बहुत सारे छोटे छोटे बैटरीज में, जैसे बैटरीज कह लो या दो दो पॉइंट्स हैं, छोटी छोटी ईएमएफ है, डी ई डी ई डी ई डी ई डी ई। तो कोई भी दो पॉइंट्स ले लो, डी ई ईएमएफ डी ई डी ई डी ई डी ई, और टोटल ईएमएफ जब इंटीग्रेट करूंगा तो ये आंसर आएगा। तो आप इसमें दो पॉइंट दिखा नहीं सकते, आप ऐसे बोल सकते हो कि जैसे स्मॉल छोटी छोटी बैटरीज लगी हुई हैं विद स्मॉल ईएमएफ डी ई डी ई डी ई, ताकि टोटल ईएमएफ इंटीग्रेशन करने के बाद ये आ जाए। तो ऐसे इमेजिन करना है, दो पॉइंट्स रिंग में आपको नहीं मिलने वाले जहां पर आपको ईएमएफ दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी, बस ईएमएफ की वैल्यू निकाल देना, पॉइंट्स मेंशन करने की जरूरत इसमें नहीं है। ठीक है यहां तक।